हिमाचल प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनावों में चारों सीटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पार्टी के चेयरमैन जे सिंह ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार तुलसी शर्मा को चुनाव लड़ने की बात कही और सोमवार को उम्मीदवार हमीरपुर में नामांकन पत्र दाखिल करेगा। पार्टी का मुख्य एजेंडा जनता की समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ राष्ट्रहित की सुरक्षा करना है। हिमाचल प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनावों में चारों सीटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पार्टी के चेयरमैन जे सिंह ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार तुलसी शर्मा को चुनाव लड़ने की बात कही और सोमवार को उम्मीदवार हमीरपुर में नामांकन पत्र दाखिल करेगा। पार्टी का मुख्य एजेंडा जनता की समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ राष्ट्रहित की सुरक्षा करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का जिसका चुनाव चिन्ह शेर है, उसके साथ हिमाचल की तीन सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रही है। एक सीट पर हमारी पार्टी डॉक्टर संजीव गुलेरिया को कांगड़ा में समर्थन कर रही है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी ने अपने उम्मीदवार श्री तुलसीराम शर्मा जी को उतारा है, जो कि काफी समय से सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। साथ ही हमारी पार्टी सामान्य जनता के बीच में जनता के मुद्दों के साथ ही उतर रही है। पार्टी चेयरमैन जे सिंह ने कहा कि जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए संघर्षरत है और प्रदेश की तीन सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा पार्टी के एजेंडे में पर्यटन को बढ़ावा देना, बेरोजगारी दूर करना रहेगा। उन्होंने कहा कि आज सभी सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का निजीकरण करने में लगी हैं, जिसका इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी में पूरी तरह से विरोध करती है। हमारी पार्टी जिन मुद्दों के साथ चुनाव में उतर रही है, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद का। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जल, जंगल और जमीन। हमारी पार्टी जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए संघर्षरत है। हमारा ये मानना है कि प्रदेश की जल जंगल जमीन के ऊपर स्थानीय जनता का पहला हक है, परंतु आज की सरकारें जल, जंगल और जमीन को कुछ औद्योगिक घरानों या बाबाओं को आवंटित करने में लगी हुई हैं। SSS, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आज जितनी भी सरकारें हमारे देश में हैं वह शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का निजीकरण करने में लगी हुई हैं। स्कूल, कॉलेज प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं। अगर स्कूल और कॉलेज प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं, उसका कारण है उन प्राइवेट संस्थानों से पार्टी को चंदा आता है। हमारा ये मांग है और हमारी पार्टी की ये विचारधारा है कि जितने भी विधायक और सांसद, ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए। जे सिंह ने कहा कि देश के सांसदों, विधायक का इलाज स्थानीय सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए, क्योंकि इन्हें इलाज के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है यह सब कुछ बंद होना चाहिए और पुरानी पेंशन पॉलिसी को बहाल किया जाना चाहिए। अगर पॉलिसी बहाल न की जाए तो पॉलिसी के दायरे में विधायक और सांसद भी आने चाहिए। कि जितने भी विधायक और सांसद हैं उनका इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। सांसदों, विधायकों को पैसे दिए जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में या विदेश में जाके स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए। हमारी पार्टी उसके पूर्णतः खिलाफ है। हमारी पार्टी का यह मानना है कि ये सब बंद होना चाहिए। इसी के साथ आता है पेंशन पॉलिसी। पेंशन पॉलिसी एक सामाजिक सुरक्षा के तहत आती है। जो पेंशन पॉलिसी है इन्होंने 2003 के बाद बंद कर दी थी। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन पॉलिसी को बहाल किया जाए। अगर ये पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल नहीं करते हैं और कहते हैं कि नई पेंशन पॉलिसी ज़्यादा समाज के लिए अच्छी है, तो क्यों ना नई पेंशन पॉलिसी विधायकों और सांसदों पर भी
लागू की जाए। कार्यक्रम में वक्त और चला है छोटे से ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।